रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर, गुरु नानक देव जयंती की पूर्व संध्या पर पीएम नरेंद्र मोदी आज अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के दिल्ली आवास पर समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी प्रार्थना सभा में शामिल हुए, साथ ही सिख जगत को भी संबोधित किया। पीएम मोदी अक्सर सिख कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं और गुरुद्वारों में मत्था टेकने जाते हैं। वाराणसी में भव्य और दिव्य देव दीपावली मनाई जा रही है। देव दीपावली के मौके पर काशी में गंगा घाटों पर करीब 10 लाख दीपक जलाए जा रहे हैं। इस दौरान भव्य तरीके से गंगा आरती का आयोजन किया गया। यही नहीं, काशी के घाटों पर भव्य लेजर लाइट शो और आतिशबाजी भी की गई। देव दीपावली को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बेंगलुरु कोर्ट की ओर से कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस और उसकी भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के लिए कहा है। कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई थी। म्यूजिक कंपनी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल हुआ है। देश में आर्थिक आधार पर जारी रहेगा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। ईडब्ल्यूएस कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी। सरकारी नौकरी और शिक्षा में गरीबों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, आर्थिक आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ नहीं है, 103वां संशोधन वैध है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी जस्टिस माहेश्वरी के फैसले से सहमति जताई। जस्टिस यूयू ललित ने EWS आरक्षण को गलत बताया। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 सदस्यों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया। जस्टिस भट्ट ने कहा, यह आरक्षण का लिमिट पार करना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। 3 जज जहां EWS के पक्ष में रहे, वहीं 2 जज इसके खिलाफ जाते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधा। बीजेपी नेता सुशील मोदी का कहना है कि आरजेडी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था और आरजेडी शुरू से ही इसके खिलाफ थी। साथ ही उन्होंने आरजेडी को घेरते हुए कहा कि आरजेडी अब किस मुंह से सवर्णों से वोट मांगेगी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जयराम सरकार ने योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया। पिछली सरकारों ने हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की थी। डबल इंजन की सरकार में हिमाचल का विकास हुआ, हर घर में नल से जल पहुंचाया और आयुष्मान योजना से 5 लाख का मुफ्त इलाज किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊना में चुनावी हुंकार भरी। योगी आदित्यनाथ ने देवभूमि को नमन कर वोटर्स का स्वागत किया। योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में माफिया हावी था, बहनें सुरक्षित नहीं थी, किसानों को कोई नहीं पूछता था, आज विकसित राज्य बना है, राम मंदिर बन रहा है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। साथ ही योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह हिमाचल में भी माफिया को खत्म करने के लिए बीजेपी को चुने। हिमाचल प्रदेश के ऊना से भरी प्रियंका गांधी ने हुंकार। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में कई सरकारी पद खाली हैं, पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार देने का फैसला लेंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने 5 लाख रोजगार दिए। शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, बीजेपी ने कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। बघेल ने कहा कि बीजेपी की नीति है आम जनता की जेब से पैसा निकालकर उद्योगपतियों की जेब में डालना। बीजेपी देश की जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी कांग्रेस की नीति को अपनाकर आगे बढ़ रही है। पूरे देश में मंदी का असर है और केंद्र सरकार कर्ज में डूबी है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, डबल इंजन की सरकार का पहला इंजन जनता 12 नवंबर को हिमाचल की जनता ही फिल करेगी, दूसरे इंजन की बारी 2024 में आएगी। प्रदेश सरकार ने 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। जयराम सरकार की विदाई के दिन आ गए। गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की होगी अहम बैठक। 9 नवंबर को हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। 9 नवंबर को इस बैठक में पीएम मोदी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बीजेपी गुजरात चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में है। गुजरात में बीजेपी की टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है। माफिया मुख्तार अंसारी पर फिर ईडी का शिकंजा। ईडी की कस्टडी में मुख्तार का साला शर्जील रजा गाजीपुर जेल के बाहर हिरासत में लिया गया। आज ही गाजीपुर जेल से रिहा हुआ था
शर्जील। एक हफ्ते पहले उसकी जमानत हुई थी और रजा को लेकर ईडी की टीम प्रयागराज रवाना हो गई है। मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास अंसारी पहले ही ईडी की कस्टडी रिमांड में है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बेखौफ लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी को गोली मारी। लुटेरे लाखों रुपए की कीमत की ज्वेलरी लूटकर फरार हुए। पूरी वारदात का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ, जो अब सामने आया है। दो दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है लुटेरे। लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है बुलंदशहर की 7 पुलिस की टीमें। अस्पताल में उपचार के बाद सर्राफा व्यापारी खतरे से बाहर है। आम आदमी पार्टी की कोर मीटिंग में सरकार ने लिया दिल्ली के स्कूल खोलने का फैसला। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था। सरकार के फैसले के बाद दिल्ली में 9 नवंबर से प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। प्रदूषण का स्तर कम होने के वजह से यह फैसला लिया गया है। वर्क फ्रॉम होम का निर्देश भी वापस लिया गया। कर्नाटक के मैसूर में सीबीआई रिटायर्ड अधिकारी की गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। मॉर्निंग वॉक के वक्त रिटायर्ड अधिकारी को टक्कर मारी गई थी। 4 नवंबर की घटना के सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कार चालक ने जानबूझकर रिटायर्ड ऑफिसर को कार से रौंदा और फरार हो गया। नोएडा में फेज 2 क्षेत्र के B39 के एक फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में कई मीटर ऊपर तक काला धुआं दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग के कारणों की जांच हो रही है। राजस्थान के 12 में हैरान करने वाली वारदात। अंधविश्वास में फंसकर बलि देने के नाम पर मां ने अपनी 12 साल की बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 7 साल के छोटे बेटे के दिल में छेद होने के बाद किसी तांत्रिक ने मानव बलि देने की बात कही, जिसके बाद आरोपी ने कुछ दिन पहले पति पर भी हमला किया था। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने सोमवार को सरकारी विभागों में बड़े स्तर पर तबादला किया है। शिंदे सरकार ने करीब 118 अधिकारियों को इधर से उधर किया। इनमें एसपी डीएसपी समेत पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।